आए हैं, हम देख रहे हैं केबल स्टॉक्स चल रहे हैं, एफएमईजी वाली कंपनियां जबरदस्त कर रही है, सो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, ये सारे जो कंपनियां हैं बहुत बढ़िया कर रही है, सब में गजब के रिजल्ट आ रहे हैं और यही स्टॉक एक वैसा ही है। और मैंने देखा इनका, मैंने फोन कॉल के नोट्स भी देखे और ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी देखा और फिर मैं बैकग्राउंड चेक कर रहा था, तो सब कुछ अच्छा लग रहा है और ग्रोथ के नंबर्स वगैरह बहुत बढ़िया। सो एक नई कंपनी है, वैसे 2005 से कंपनी कार्यरत है और गजब कर रही है और इनोवेटिव एलईडी लाइट्स एंड फिक्चर्स की ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। और आप देखिए कि रिटेल इंडस्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए, होम लाइटिंग के लिए, इवन मंदिर में भी, जो बड़े बाबा का मंदिर है कुंडलपुर में, वहां पे भी इनको असाइनमेंट मिला था। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवेज के लिए, ये सारे जगह पे लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे लोग अपना जो कोब लाइट्स है या पेंडेंट्स है, ये सारे जो कैबिनेट लाइट्स, ये जो भी लाइटिंग सोल्यूशन ये लोग देते हैं। और उससे भी बढ़िया बात है, कंपनी के क्लाइंट्स के अगर लिस्ट देखें तो मार्की क्लाइंट लिस्ट है, बीएमडब्ल्यू, अरविंद, आइकिया, रिलायंस, टाटा मोटर्स, गैस, मर्सिडीज बेंज, ये सारे नाम आ रहे हैं। कंपनी की कुछ सब्सिडियरीज भी हैं बाहर, यूएई में, सिंगापुर में, यूएसए में। और अब मैं एक बार थोड़ा सा एक और चीज जो मुझे बढ़िया लगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इनका फोकस है, रेलवेज के ऊपर जो फोकस है, और इवन आईओटी के ऊपर, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसके ऊपर भी कंपनी का फोकस है, यंग डायनेमिक मैनेजमेंट है। और कंपनी जो है एनएससी इमर्ज में लिस्टिंग हुई थी इसकी अप्रैल 2017 में, फिर मेन बोर्ड में नवंबर 2001 में आई है। और अब मैं एक बार नंबर्स देखता हूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज एक्सीलेंट, अराउंड 45%, रिटर्न ऑन इक्विटी 35%, पिछले तीन साल में प्रॉफिट की कैगर 22% के लगभग रही है, सॉरी सेल्स की कैगर, और प्रॉफिट की कैगर देखें तो 76-77%, एक नेगलिजिबल डेट, सिर्फ 3 करोड़ का डेट है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया 13-14% के लगभग, और बाकी फंडामेंटल्स भी बढ़िया, करंट रेशियोज वगैरह। और मैं ये देख रहा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले जून के मुकाबले इस जून में बहुत बढ़िया आया है, पिछले इनफैक्ट 3-4 क्वार्टर कंपनी के बहुत बढ़िया गए हैं, मतलब सप्लाई साइड जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं जब कम होते हैं तो सर्टनली फायदा मिलता है। और क्वार्टरली रिजल्ट भी जून के अच्छे आए हैं, सो टॉप लाइन बेसिस पे और बॉटम लाइन बेसिस पे, टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे, 24 करोड़ का पैट कंपनी का और 182 करोड़ का टॉप लाइन। और जो मैं देख रहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की 56-57% के लगभग है, तो जून के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, सेक्टर भी बढ़िया, आईक्यू जो पीयर कंपैरिजन करें तो वो भी बढ़िया कर रही है, केबल स्टॉक्स बढ़िया करें, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं तो 890-950 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है, 950 तक के टारगेट।